सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी नो कल हमने कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म किया था एंड होप सो वो एक तरीके से रिवीजन ही था क्योंकि जो कि हम 11th में ख़त्म कर चुके थे उन सब टॉपिक्स को। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था कि आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला वो है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, बिफोर वेपर प्रेशर एक टर्म आता है आपका इवोपरेशन, तो पहले हम उसको कवर करेंगे। इवोपरेशन ये इसी से मतलब बिना इवोपरेशन हम वेपर प्रेशर नहीं पढ़ सकते, तो पहले स्टार्ट हम इवोपरेशन को करते। देखो, अगर जैसे सपोज करो ये पानी में मेरा बॉटल है, सॉरी बॉटल में पानी है मेरा, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इसको खुला छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको खुला छोड़ा तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो मान लेता हूँ अगर मैंने इसको जब खुला छोड़ा तो इसका इनिशियली वेट था सपोज करो 50 ग्राम, कितना था 50 ग्राम। और कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद जब आप इसका वेट मेजरमेंट करोगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सोचिए क्या होना चाहिए। जब आपने इसको खुला छोड़ दिया, मान लो गर्मी है, तो क्या वेट 50 ग्राम रहेगा? आपको लगता है 50 ग्राम वेट रहेगा? नहीं, ऑब्वियस बात है 50 ग्राम नहीं रहेगा, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम क्यों होता है ये हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यहीं से टर्म आता है इवोपरेशन। होता क्या, जैसे समझो बात को कि मान लो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है लिक्विड है। तो जो लिक्विड बल्क में प्रेजेंट है तो उसको यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो बल्क में इसको फोर्स लग रहा है, बल्क में ये इसको यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से लग रहा है, तो क्या इस मॉलिक्यूल की उड़ने की टेंडेंसी रहेगी? ऑब्वियस बात है इसकी उड़ने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जो मॉलिक्यूल मेरे कहाँ पे है, सरफेस पे है। अब बात गौरतलब की बात है, यही मॉलिक्यूल सरफेस पे क्यों है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बाकी मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सरफेस पे है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो इनके जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि भैया इनिशियली इसमें 50 ग्राम था, लेकिन जब आप इसको खुला छोड़ दोगे 1.5 घंटे के लिए तो ऑब्वियस बात है इसका 49.9 या 49.8 ग्राम हो जाएगा। कुछ ना कुछ पार्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, इवोपरेट कर जाता है। क्या कर जाता है, इवोपरेट। अब होता क्या है, मुझे पता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, और गैस में क्या होता है, मिनिमम होता है, गैस में क्या होता है, मिनिमम होता है। अब बस स्टोरी यहीं से चालू होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना बस आप। अभी मैंने बोला कि जो बल्क में मॉलिक्यूल होगा उसमें तो हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, एक तरीके से मान के चलो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल मेरा अपर सरफेस पे है तो उन मॉलिक्यूल में ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिकली कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रहती है, तो थोड़ी ज़्यादा रहती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। क्यों? हालांकि इस मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। आप खुद से देखो ना, इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ, तो ऑब्वियस से बात है ये उड़ने की टेंडेंसी नहीं रख सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल जैसे ही जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो ऑब्वियस बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगी, डोमिनेट करती है, और इस तरीके से सीधा ये सरफेस को छोड़ते हुए एटमोसफेयर में चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, एटमोसफेयर में चले जाएंगे। और अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट्स स्टेट, या द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड, एक ही बात होती है, बस मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। किसी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी अगर अपने स्टेट को चेंज करने की जो बोलते हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी को, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट आइदर फ्रॉम वेपर टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एज फुगैसिटी। क्या बोलते हैं उसको, फुगैसिटी। हालांकि ये चीज़ मैं डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा फुगैसिटी का मतलब क्या होता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि ये अब इनकी फुगैसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इन इन मॉलिक्यूल्स की फुगैसिटी, मतलब
मतलब यो मतलब गैस में जाने की टेंडेंसी ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या करता है, डोमिनेंट करता है। तो थोड़ा सा अगर आप हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तुरंत ये सरफेस को छोड़ के ऊपर भाग जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, इवोपरेशन। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज इवोपरेशन, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सर्फेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवोपरेशन। तो थोड़ा ध्यान से सब, मैं इसको डेफिनेशन भी लिख देता हूं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवोपरेशन। अच्छा एक बात और, इसमें गौरतलब की बात ये थी, देखो मैंने आपको कल भी बोला था, जिस बच्चे को वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया उसके लिए सॉल्यूशन कोई बड़ा टॉपिक डील होता ही नहीं। मतलब एक बार अगर आपका वेपर प्रेशर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएंगे, आप किसी भी शीट का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपका चाहे उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन या मोर देन वन किसी भी लेवल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बोल रहा, बहुत जो आगे हमारा सवा घंटे का जो लेक्चर चलने वाला हो बिल्कुल पूरा का पूरा वेपर प्रेशर पर रहेगा। तो मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सर्फेस इनटू वेपर इज नोन एज इवोपरेशन, ठीक है। और एक मैंने आपको टर्म बताया फुगेसिटी, द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट आइदर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड। उस टेंडेंसी को मतलब उसकी क्षमता, आप ऐसे बोल सकते, उसकी क्षमता को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुगेसिटी बोलते हैं। ये मैं आपको भी थोड़ी देर में डिटेल में बताने वाला, बट एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आया तो इसलिए मैंने आपको लिंक कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से बात समझो, जहां वर्ड स्पॉन्टेनियस आया मतलब थर्मोडायनेमिक्स लिंक्ड है यहाँ पे। अब समझो बात को, इसका मतलब अगर ये वाला मॉलिक्यूल, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स है, स्पॉन्टेनियस हो तो गिब्स एनर्जी आएगी, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर तभी जा सकता है अपनी गिब्स एनर्जी बढ़ा के या गिब्स एनर्जी घटा के। ऑब्वियस बात है, आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी प्रोसेस का अगर गिब्स एनर्जी घट रहा है तो इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जब मॉलिक्यूल, ये अब वी वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, अपनी गिब्स एनर्जी घटा के ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इवोपरेशन बोलते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें कल क्लियर हो चुकी है। बस आपको इतना बात याद रखना, थर्मोडायनेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलेगा इवोपरेशन को तो आपको बोला कि दोज मॉलिक्यूल विच डिक्रीजेज इट्स गिव्स एनर्जी देन इट मे कन्वर्ट इन टू अदर स्टेट, सिंपल सी भाषा में ये, ओके। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर इवोपरेशन का फैक्टर क्या क्या होता है भैया, ठीक है। इवोपरेशन का फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, ठीक है। अब जैसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो पहला फैक्टर इवोपरेशन का होता है टेम्परेचर, ठीक हो। अब जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, पहला अपर सरफेस मॉलिक्यूल क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब इवोपरेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फिर इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल फिर वो ऊपर आ जाएगा, फिर वो और इवोपरेशन होगा। मतलब वैसे जैसे आपने क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हाँ, अब आपको ये बोलेगा सर ये तो सिर्फ गैस के लिए वैलिड होता है, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। वो क्या होता है, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग से पहले एक ये टर्म याद रख लो, ठीक है, आप बेटर है इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। लिक्विड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, लिक्विड स्टेट की, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ मैंने पढ़ाया था, किसका,
आपको याद है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो याद रखना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो लिक्विड और गैस दोनों के लिए सेम होता है, और सारे जो डाटा वहाँ पे हमने पढ़ा था वो लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी उतना ही वैलिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे हो जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हो जाता है स्पीड, ठीक है? तो सेम मीनिंग है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे उनकी स्पीड बहुत कम होगी, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो ज़्यादा स्पीड वाले भी बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं, कम स्पीड वाले भी बहुत कम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मॉलिक्यूल एक एवरेज स्पीड से चलते हैं। तो हर केस में क्या होता है, और इसमें भी क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी, फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है, किसमें, गैस स्टेट में हमने डील किया हुआ है। तो अगेन अब मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोरेशन, तो पहला जो अब यहाँ पे डेटा मैंने अभी क्या बोला, जो जो चीज़ें हम गैस के लिए पढ़ते हैं, लिक्विड गैसेस मॉलिक्यूल के लिए जो वैलिड होता है वही चीज़ लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड होता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस बात है इवोपरेशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑब्वियस बात है कि अगर ये गला पानी के बॉटल को मैंने कहाँ रखा, मान लो मैंने 50 डिग्री पर रखा, तो ऑब्वियस बात है अगर इसी गैस मतलब इतने ही सेम अमाउंट के, मतलब मैं अगर मान लो पानी का बॉटल सेम अमाउंट का पानी मैं लेके 70 डिग्री पर रखा, तो ऑब्वियस बात है इवोपरेशन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, अभी मैंने बताया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करेगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करेगा तो यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा इनको तोड़ के क्या करेगा, और ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर आएंगे, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, वो नीचे वाले को भी तोड़ के ऊपर जाता है, और इस तरीके से क्या होगा, इवोपरेशन की स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर एक तरफ मैंने पानी डाला और एक तरफ मैंने शहद डाला, थोड़ा ध्यान से समझना, एक तरफ मैंने आप पानी डाला और एक तरफ शहद डाला, तो ऑब्वियस बात है थोड़ी देर के बाद पानी वाला क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्यों, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद पानी सूख जाता है, लेकिन शहद वाला सूखेगा, हो सकता है सूख भी जाए, लेकिन कुछ ना कुछ दाग तो वो अपने शर्ट पे छोड़ के जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब क्या कि जिनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इनकी उनकी इवोपरेशन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियस बात है आप खुद से देखो, शहद क्या उड़ता है, क्या उड़ने की टेंडेंसी रखता है, ऑब्वियस बात शहद उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता, ठीक है? लेकिन पानी क्या उड़ने की टेंडेंसी, क्यों, उनके दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ठीक है? तो जितना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा उतना ही इवोपरेशन की स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है? तीसरा बात होता है अगर मैंने सपोज करो एक इतने से सरफेस में इवोपरेशन करा रहा हूँ और एक इतने सरफेस में करा रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा सरफेस में क्या होगा, ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इवोपरेशन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। कम सरफेस एरिया वाले में इवोपरेशन उतना नहीं होगा, मान लो इतने वाले में अगर 1000 मॉलिक्यूल इवोपरेट कर रहे हैं तो इतने वाले में हो सकता है 100 ही मॉलिक्यूल इवोपरेट करेंगे। तो कहने का मतलब समझो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा इवोपरेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है? ये तीसरी बात हुई। चौथी बात क्या होती है, ड्राई फुल, अगर मैंने सपोज करो इस रूम की, मैं एक रूम की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, तो ड्राई एयर का मतलब क्या था, ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। इनका काम क्या होता है, जब भी आप इनको फ्लो करवाते हो तो ये एटमोसफेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एटमोसफेयर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे सपोज करो यहाँ इवोपरेशन हो रहा है, जैसे मैं इमेजिनेशन करके इस बॉटल से पानी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इवोपरेट कर रहे हैं, और आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ड्राई एयर पास करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्राई एयर पास करा रहे हो। तो जैसे जैसे ड्राई एयर पास करेगा तो ये क्या कर लेगा, वाटर वेपर क्या करेगा, कंज्यूम मतलब अपने अंदर समाज क्या ऐसा बोल सकता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे जैसे ड्राई एयर यहाँ से पास करते जा रहे हो, इवो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, तो ये अपने अंदर क्या करते जाएगा, एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो और क्यों, अब आप देखो जैसे जैसे ये इवोपरेशन हो रहा है, ड्राई एयर यहां से पास करो और वो और एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वाला खत्म हुआ, फिर ऊपर वाला और मॉलिक्यूल जाएगा, और ड्राई एयर पास करो और ये एब्जॉर्ब करते, मतलब उसका काम ही है जहां वाटर मॉलिक्यूल दिखा है एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकते, वाटर वेपर। तो जैसे जैसे वाटर इवोपरेशन होते जाएगा, ड्राई एयर पास करते
करते जाओ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाओ, और इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही ऊपर जा रहा है इवोपरेट एब्जॉर्ब कर ले, जैसे ऊपर जा रहा है इवोपरेट एब्जॉर्ब कर ले रहा है ड्राई एयर, तो इसका मतलब क्या है इवोपरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों समझ रहे बात क्यों। इसलिए आपने देखा होगा जो समुद्र रीजन जो होता है, सी रीजन जो होते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा रहती है, दैट्स बिकॉज समुद्र है, वहाँ से ड्राई एयर पास हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है वाटर वेपर ऊपर जा रहे होंगे, ड्राई एयर उनको एब्जॉर्ब करते जा रहा है, और वही हवा हमें लगती है, तो हमें क्या लगता है चिपचिपा थोड़ा लगता है। दिस इज द बेसिक रीजन, आई बात समझ में। तो ये हमारे चार फैक्टर होते हैं इवोपरेशन के। पहला काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इवोपरेशन बढ़ता है। सेकेंड रीजन क्या होता है इवोपरेशन का, ये अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो उड़ने की टेंडेंसी कम रखेंगे तो इवोपरेशन कम होना चाहिए। मतलब अगर आपको इवोपरेशन ज़्यादा करवाना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। इसलिए पेट्रोल की टेंडेंसी वाटर से भी ज़्यादा उड़ने की रहती है, क्योंकि उनके बीच में वाटर उनके मतलब पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। थर्ड वाले आप ऐसा बोल सकते हो कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ही वो ऑपरेशन होगा, ठीक है। और फोर्थ ड्राई एयर जो अभी हमने आपको समझाया, तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड बोल रहा हूँ नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा विच इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड वन है टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड वन है सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं, सरफेस एरिया में भी आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया, ठीक है। फोर्थ वन हो जाएगा फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब, moisture and become saturate and in order to do that it increases rate of evaporation, ठीक है। तो देखो देखो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सैचुरेट विथ इट, मतलब जैसे ही वह एब्जॉर्ब कर लेगा ड्राई एयर तो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट कहने का मतलब यह है कि आफ्टर दैट वो स्टेबल हो जाएगा। हालांकि आप स्टेबल वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, आप ऐसा समझो बात को कि सपोज करो आपने क्या किया, जनरली ऐसा माना जाता है कि 100 ml वाटर में मैक्सिमम आप शुगर कितना डिसॉल्व कर सकते हो। 100 ml वाटर में ऐसा देखा गया कि 40 g से ज़्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर सकते शुगर को, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, जैसे मतलब अगर आपने उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी तक उसको डिसॉल्व किया तो वो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर आपने और चीनी डिसॉल्व भी किया तो चीनी क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज बन के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये होता है कि जिस उसकी जितनी टेंडेंसी है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ड्राई एयर आपने पास किया, अगर उसने क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया,
फर्दर क्या हो जाता है, वो सैचुरेट और ज़्यादा फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई एयर पास करना पड़ेगा टू फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। आई बात समझ में? तो हर एक अमाउंट ऑफ ड्राई एयर की एक अपनी टेंडेंसी होती है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की, वाटर वेपर या किसी भी वेपर को एब्जॉर्ब करने की। तो जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद वो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए देखना, जो समुद्री रीजन होता है वहाँ ह्यूमिडिटी का रीजन सबसे बड़ा क्या होता है कि वहाँ समुद्र एक तो बहुत बड़ा है, वहाँ पर ड्राई एयर पास जाता है तो कंटिन्यूस क्या होते जाता है, ड्राई एयर पास होते जाते हैं, इवोपरेशन होते जाए, गर्मी है भाई, समुद्र से पानी इवोपरेट करेगा और ड्राई एयर पास करेगा तो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए हमें हवा में चिपचिपापन लगता है या नमी जिसको बोलते हैं ना, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ ड्राइयर, ह्यूमिडिटी बढ़ाने का काम करता बेसिकली वो। तो आई होप सो, तो यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अब वाटर वेपर प्रेशर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा बेटा इवोपरेशन। ठीक है, आई होप सो ये आपको सब चीज़ें क्लियर कर दिया होगा। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देखो, मान लो जैसे हमने क्या किया था, अभी क्या कर रहे थे हम भैया क्या कर रहे थे, ओपन कंटेनर ले रहे थे। ओपन कंटेनर में भैया क्या हो रहा था, ऊपर लेयर का जो मॉलिक्यूल था वो थोड़ा सा टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था, सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जनरली मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों में, मिसकंसेप्शन ये रहता है कि सर वेपर है तो अपना प्रेशर डालेगा सरफेस पे, वो वेपर प्रेशर होता है। देखो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही है और डेफिनेशन सही है, बट वेपर प्रेशर अपने आप में मैंने बोला था बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मेजर कॉन्सेप्ट है। थोड़ा तो ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ओपन कंटेनर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को बंद कर दे रहा हूँ। तो सपोज करो मैंने एक प्योर लिक्विड ए लिया, क्या लिया, प्योर लिक्विड ए। तो ऑब्वियस से बात है हर तरफ क्या होंगे, लिक्विड ए ही मॉलिक्यूल होंगे। तो अगेन यहाँ पे जो बल्क में होगा उसको हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा होगा, वो स्टेबल है, वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इनकी एनर्जी भी क्या बहुत कम है। और ये जो मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया, यही मॉलिक्यूल ऊपर क्यों, क्योंकि इनके काइनेटिक एनर्जी अदर मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा, इसलिए सबको पास करते हुए सरफेस पे। यहाँ तक क्लियर हो चुका था बात। अभी क्या होगा, अभी भी ये ऊपर जाएंगे। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले क्या हो रहा था भाई, पहले जो मेरा मॉलिक्यूल था वो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या अब ये एटमॉस्फेयर में जा रहा, अब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा। तो थोड़ा ध्यान से समझना, जब इनिशियली टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, जब इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में, तब आपके पास रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट आपके पास था लिक्विड, रिएक्टेंट क्या था आपके पास, लिक्विड था। तो इस केस में ऑब्वियस बात है रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा इस केस में, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर मैं कुछ समय के बाद, जैसे कुछ समय के बाद रिएक्टेंट, अब अभी भी क्या है, रिएक्टेंट तो अभी भी क्या है मेरा, लिक्विड है, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो चुका है मेरा, प्रोडक्ट हो चुका है मेरा वेपर, प्रोडक्ट क्या हो चुका है मेरा, वेपर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से समझना, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट भी है कुछ समय के बाद और प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन तो क्या है, वो तो मेरा फिक्स्ड है भैया। आपने ना तो लिक्विड डाला हो, ना ही आपने ऊपर से कुछ वेपर डाला, तो ऑब्वियस बात है जिस स्पीड से इवोपरेशन कर रहा है, ना आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसमें, ना इसमें आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, ना ही इस चारों फैक्टर में से आपने कुछ नहीं बढ़ाया, तो ऑब्वियस बात है रेट ऑफ इवोपरेशन जो मैक्सिमम था वो फिक्स रहेगा, वो उसी स्पीड से चलेगा। आपने कोई भी फैक्टर इसमें चेंज नहीं किया, बस आपने कंटेनर को क्या रखा है, क्लोज रखा है। अब ऐसा समझो ना, जब ये ऊपर जाएगा वेपर मॉलिक्यूल, तो कहीं वेपर है तो भैया ऑब्वियस बात है तुम्हारे जैसा अनस्टेबल रहेगा, वो क्या करेगा, इधर उधर टकराते रहेगा। तो जैसे ही वो टकराएगा तो क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा टकराने के बाद, क्योंकि जो कोलिजन इनके साथ होता है वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोला,
अगर ये आपस में गैसेस मॉलिक्यूल आपस में टकराए या वेपर मॉलिक्यूल आपस में टकराए तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, लेकिन अगर वो सरफेस से टकरा रहा है या अपर वाले ढक्कन से टकरा रहा है तो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इन इलास्टिक कोलिजनों का तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो ये फिर से क्या होगा, फिर से ये लिक्विड में चेंज करेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, वेपर, और वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ा यहाँ पे। अब एक बात समझो, इवोपरेशन तो आपने फिक्स रखा, अब रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब दोनों का रेट क्या होता है, बराबर होगा। और वेरी गुड, अब जब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता उस केस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ तक यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसका मतलब इस केस में जो हो रहा है, लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद मान लो टी इक्विलिब्रियम ऐसा टाइम जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, उसको मैंने टी इक्विलिब्रियम लिया, तो इस केस में रिएक्टेंट जो मेरा लिक्विड था और प्रोडक्ट मेरा क्या था, वेपर, दोनों है इस केस में। बस होगा क्या, रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। और इसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, या आप इसको फेज इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में करेगा, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। मैं क्या बोला, आप ध्यान से समझना, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है मेरा, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने का, और बैकवर्ड डायरेक्शन है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का। ध्यान से समझना, बिल्कुल कहना क्या चाहता हूँ मैं, अब ये जो होगा इन्फोनाइट टाइम तक चलते रहे, जब तक तुम्हारे दिमाग की स्थिति सही है तब तक। अब आप ये बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोलोगे, ऑब्वियस बात है, अब ये आप इसको 10 साल तक छोड़ दोगे ना इस पानी को, तो इन्फाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट। अब बोलोगे मैं छेद कर दूंगा इसमें, तो ऑब्वियस बात है तब तो शायद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और दोबारा शायद इस्टेब्लिश कर भी ना पाए। तो इसलिए मैंने आपको बोला जब तक तुम्हारी दिमाग की स्थिति सही है तब तक तो ये इक्विलिब्रियम में इन्फाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, इस तरीके से कुछ होगा, देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो रेट वर्सेस टाइम, मैंने आपको क्या बोला था, रेट ऑफ इवोपरेशन तो क्या है मेरा फिक्स है, रेट ऑफ इवोपरेशन जो, क्योंकि आपने कोई भी फैक्टर उसका ना बढ़ाया, ना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ना उसका सरफेस एरिया बढ़ाया, ना आपने ड्रायर पास किया, कुछ नहीं किया, मतलब जो बंद ओपन कंटेनर था उसने आपने उसको क्या कर दिया, ढक दिया। तो ये तो फिक्स है मेरा। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा और एक समय के बाद ये क्या होता है, एक पॉइंट में मीट करते हैं, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, टी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, टी इक्विलिब्रियम। तो कुछ समय के बाद रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं मेरे, दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे मेरे बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब समझना बात को। अब इतना मैंने रामायण क्यों सुनाया, मैं डायरेक्टली बोलता, देखो जनरली हम जो स्मॉलर क्लास में जो पढ़ते हैं कि भैया रेट ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ओवर द, सही है वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ओवर द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, सही है। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि भैया वेपर प्रेशर आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब इवोपरेशन का स्पीड और कंडेंसेशन का स्पीड बराबर है और उस केस में जब वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, मतलब वेपर एग्जर्ट करेगा सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, उस केस पे ही आप
डिफाइन कर सकते हो वेपर प्रेशर को, मतलब सिंपल से भाषा में कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेपर प्रेशर डिफाइन कब होता है, क्लोज कंटेनर पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो समझ में, आई होप से इतना बात समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर डिफाइन करने का तरीका सिंपल से सिंपल आप इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर सकते हो, और सिंपल मीनिंग वो ये कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द कंडीशन ऑफ इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो ये आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और अभी हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे वेपर प्रेशर का, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि अगर लिक्विड मेरा वाटर है, अगर मेरा क्या है लिक्विड वाटर है, और उस केस में लिक्विड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम, मान के चलो कि भैया जैसे ये देखो ये क्या पानी है, ठीक है, आपने क्लोज कंटेनर लिया, मान सकता हूँ मैं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, मान लो कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, और जब इसका वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा अपर सरफेस पे, उस केस में हम, अगर आपका क्या है लिक्विड वाटर है, तो उस केस में हम वेपर प्रेशर को हम नया टर्म दे देते हैं नाम, उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो बोल बस मैं इतना लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर इट इज आल्सो नॉन एज एक्वस टेंशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फिर से मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो यही मेरा क्लोज कंटेनर है, फिर से मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क में तो उसका कुछ रोल नहीं है, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो इवेपोरेट हो के यहाँ पे कुछ मेरा लिक्विड ए का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ मेरा लिक्विड ए का मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैंने क्या लिया, प्योर लिक्विड ए लिया यहाँ पे, तो थोड़ा स्टोरी ध्यान से समझना। अब क्या होगा, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि भैया कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, लेट मतलब ऐसा मानता हूँ कि सपोज करो 11वें सेकंड पे, एट 11 सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, एट द 11 सेकंड क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 0 से 10 का जो समय होगा, ऑब्वियसली उस समय भी इवेपोरेशन हो रहा है, उस समय भी वेपर बन रहा है, और वो भी वेपर क्या हो रहा होगा, वो भी वेपर तो ये प्रेशर तो एग्जर्ट कर रहा होगा सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे, क्या उस केस में इसको मैं वेपर प्रेशर नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले कंडीशन बताई कि वेपर प्रेशर डिफाइन करने का तरीका वही होता है कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टेब्लिश कितने समय पर हो रहा है, 11 सेकंड पे स्टेब्लिश हो रहा है, तो एट द 11 सेकंड आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, लेकिन उससे पहले के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। तो आप ऐसा बोल सकते किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर वैल्यू उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है, मतलब एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका तो उसके बाद वो प्रेशर कभी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब 0 से 10 सेकंड तक आप बोल सकते हो कि भैया लिक्विड का वो पार्शियल प्रेशर है, लेकिन 11 सेकंड पे उसी चीज को आप क्या बोलोगे, उसको आप वेपर प्रेशर बोलोगे, क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। तो आई होप सो, तो यहां तक चीजें आपको क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और,
ठीक है, तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक पॉज हो सकता है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं छोड़ो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, एक मिनट जस्ट, कितना टाइम है, कितना टाइम है, 34 मिनट्स। ठीक है, एक नोट बना के इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, थोड़ा समझो बात को। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड depends only on temperature, depends only on temperature and independent of amount of liquid and independent of amount of liquid and surface area of liquid। ठीक है, ये फिलहाल तो मैं आपको ऐसा नोट में बता रहा हूँ, बट मैं इसको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। क्या ये देखो, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप एक सिंटेक्स की टंकी का वेपर प्रेशर मानो या एक ड्रॉप लिक्विड का वेपर प्रेशर मानो, वेपर प्रेशर सेम रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम है तब तक। ठीक है, अब इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ करूंगा, बट पहले समझो बात को। मैं एक ये दे रहा हूँ कि गिव्स एनर्जी, मतलब गिव्स गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, म्यू। ये मैं थोड़ा मैथमेटिकली इसलिए चल रहा हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। म्यू का मतलब क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। थोड़ा ध्यान से समझना, गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने अभी मैंने आपको क्या बोला, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट। तो मतलब स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ ए मॉलिक्यूल टू चेंज स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, या लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, मतलब उसके स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन, या स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ गैस वेपर मॉलिक्यूल इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल, उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। मतलब दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, जहां पर स्पॉन्टेनियस आ रहा है इसका मतलब उसका गिव्स एनर्जी, मतलब दैट डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब यहाँ केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल मतलब क्या होती है हिंदी भाषा में, अगर मैं क्षमता, उसकी क्षमता। म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल मतलब इज नथिंग बट फेज चेंज, फेज फिजिकल चेंज, उसका मतलब उसका फिजिकल चेंज होने की टेंडेंसी, मतलब लिक्विड से गैस जाने की टेंडेंसी या गैस टू लिक्विड जाने की टेंडेंसी, उस टेंडेंसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं भाई, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहीं पर आता है द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड फुगैसिटी। देखो ये जनरली ये टर्म ऐसे हैं जो अच्छे एडवांस लेवल पे हैं, ये सब टर्म एडवांस लेवल पे पूछा जाता है, एनसीईआरटी में आपको ये सब कभी नहीं मिलेगा, नॉर्मल शीट वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, इसे मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, इस कॉल्ड फुगैसिटी, और फुगैसिटी मतलब ही क्या होता है, फुगैसिटी का मतलब होता है केमिकल म्यू, मतलब केमिकल पोटेंशियल, उसका सबका एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड है, सब क्या है एक दूसरे से ये क्या है इंटरलिंक्ड है, मतलब मॉलिक्यूल की टेंडेंसी चेंज, अपने आप को चेंज करने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, उसको हम फुगैसिटी नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, और मैथमेटिकली उस टर्म को हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल, वो एक्चुअली केमिकल पोटेंशियल मतलब क्या भैया, आप एक तरह केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, मतलब आप फिजिकल चेंज को भी तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप इंक्लूड करते हो ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कब डिफाइन होता है, जब
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की टेंडेंसी होती है, उसी को तो बस उस टेम्परेचर पे हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझो मैं बोलना क्या चाहता हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल को अपने आप को चेंज करने की स्टेट को हम फुगेसिटी बोलते हैं, और उसको मैथमेटिकली हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो आई होप सो यहाँ तक। और ये कब कब चेंज होगा, वो बताता है कि वो अपना गिब्स एनर्जी कितना चेंज कर सकता है। भाई जिसका गिब्स एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करेगा उसकी फुगेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब उसका केमिकल पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आएगा। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ भाई, गिब्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट वो मेजरमेंट क्या बताता है, केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट फुगेसिटी। फुगेसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल। फिर से मैं समझा रहा हूँ, आई होप सो, आई डोंट नो अभी आप ऑनलाइन है तो मैं समझ नहीं पा रहा, बट एक बार फिर मैं मेरी तरफ से आपको फिर समझा। किसी भी मॉलिक्यूल का गिब्स एनर्जी का चेंज उसकी क्षमता बताता है अपने स्टेट की चेंज करने की। जिसका गिब्स एनर्जी ज़्यादा कम होगा तो उसकी केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब उसकी फुगेसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा। फुगेसिटी एक नॉर्मल वर्ड है, इसी को हमने एक वर्डिंग के फॉर्म में लिखा फुगेसिटी। फुगेसिटी मतलब, हालांकि सब तीनों चीज़ें एक ही है, इज दैट क्लियर? तो आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब होता क्या है कि फॉर लिक्विड टू वेपर की बात करूँ, अगर मैं एक केस मान के चल रहा हूँ फॉर लिक्विड टू वेपर, तो साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर एल एन आर टी एल एन एक्स। म्यू इज इक्वल टू भाई आप जी जी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, वही चीज़ है। बट यहाँ पे फर्क थोड़ा जाता है कि यहाँ पे जो एक्स होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड होता है। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है? थोड़ा ध्यान से मतलब कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैंने बोला कि अगर लिक्विड आपका प्योर है, लिक्विड इज प्योर, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 1, क्योंकि जब आपने लिक्विड में कुछ, ये मेरा लिक्विड है, आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1, और जब ये 1 होगा तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू नॉट, तो मतलब समझना, म्यू नॉट मेरा क्या है, म्यू नॉट मेरा वो फुगैस, मतलब वो केमिकल पोटेंशियल है जो प्योर लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल, मतलब सारा का सारा मॉलिक्यूल चेंज करने की टेंडेंसी रखता अपने आप को वेपर में, तो उसको मतलब सारे मॉलिक्यूल लिक्विड है, सारे मॉलिक्यूल लिक्विड ए है, मतलब अगर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट मेरा प्योर लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल है। किसका है? प्योर लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी जैसे अपर सरफेस का गिब्स एनर्जी थोड़ा मतलब कम है, तो इसका मतलब इसके मतलब अपर सरफेस का मतलब अपर मॉलिक्यूल सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं माई मिस्टेक अपर लेयर के मॉलिक्यूल की गिब्स एनर्जी ज़्यादा कम होगी, तो इस वजह से इनका म्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर ये जैसे ऊपर जाएंगे तो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल की गिब्स एनर्जी मतलब ये ऊपर आएंगे और वो अपनी गिब्स एनर्जी डिक्रीज करेंगे, तो मतलब जैसे जैसे नीचे वाला ऊपर जाते जाएगा तो उनकी फुगेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब गिब्स एनर्जी घटते जाएगी, फुगेसिटी बढ़ते जाएगी या म्यू बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब म्यू जो होगा वो म्यू नॉट के बराबर होगा। म्यू नॉट क्या है मेरा? म्यू नॉट है प्योर लिक्विड का फुगेसिटी। प्योर लिक्विड का मतलब हर लिक्विड मॉलिक्यूल की टेंडेंसी बता रहा है वो अपने आप को चेंज करने की लिक्विड टू वेपर। तो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो चुके होंगे बातें। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया मेरा म्यू नॉट, मतलब प्योर लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर इसका मतलब ये होगा अगर आपने इसमें कुछ मिलाया होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया तो वैसे समझो, अगर इस लिक्विड मॉलिक्यूल में अगर आपने कुछ मिक्स किया होगा तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा इसके अंदर, मतलब ऑब्वियस बात है। अब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी, जब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा, जब ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसमें सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू म्यू नॉट से पहले क्या हो जाएगी, म्यू नॉट से क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये चाहता तो आपको थ्योरेटिकली बता सकता था कि भैया प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑब्वियस बात है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी सॉल्यूशन। अगर मान लो इसी देखो, सपोज करो इसमें इस लिक्विड मॉलिक्यूल का अगर ये, क्योंकि अभी ये पानी है, ये प्योर है, ऑब्वियस बात है इसमें जो भी इसके वेपर बनेंगे या जिसका इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, ठीक है,
सपोज करो आपने इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एज्यूम किया, मान लो 100 mm ऑफ एच जी, क्या एज्यूम किया 100 mm ऑफ एच जी, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चीनी या नमक मिला दो, तो जब आप चीनी या नमक मिलाओगे तो सरफेस पे, अपर सरफेस पे चीनी या नमक आएगा, तो ऑब्वियस बात है, मान लो पहले अपर सरफेस में 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते थे, अब उसमें 20 या 30 नमक या पानी, नमक या चीनी आ जाएगा, तो अब 80 इवेपोरेट कर पाएंगे, तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना कि पहले प्योर लिक्विड में अपर सरफेस में 100 थे, ठीक है, लेकिन जब आप कोई चीज़ डिजोल्व करोगे तो उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ नमक या चीनी आ जाएगा, तो नमक या चीनी आएगा तो ऑब्वियस बात है, मान लो 20 A मॉलिक्यूल को हटा के नमक या चीनी आ चुका है, तो पहले 100 कर रहता है, अब 80 ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियस बात आप ये खुद से ऑब्जर्व करो, तो पहले 100 मॉलिक्यूल ऑपरेट कर रहा था, अब 80 मॉलिक्यूल ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर मेरा घटा ना, तो वही चीज़ आपको मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश किया कि अगर प्योर लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब उसकी फ्यूगेसिटी, मतलब उसकी टेंडेंसी चेंज, अपने आप को चेंज करने की लिक्विड से वेपर की, वो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही आप कुछ मिक्स कर दोगे इसके अंदर, तो उस जैसे ही अगर आप इसको मिक्स करते हो कुछ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपको, इसको मैंने, अगर हालांकि समझ में आए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी समझ में आए तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिकली भी चीज़ें आप समझो इसको, ठीक है, कि ये चीज़ आपको, आप आयो सा समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात और, हाँ ठीक है, वो बात क्या है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पूरे सॉल्यूशन में एक बात याद रखना, जो भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नोट से, क्योंकि यहाँ लिक्विड ए है, तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी नोट ए। पी नोट का मतलब भी क्या होता है, वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड बी है तो पी नोट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया था, भैया ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो भी एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको और डिटेल में समझाऊंगा मैं। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि देख आप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो भी अगर मॉलिक्यूल इसके ए के बीच में कोई अदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इनके उड़ने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने मैथमेटिकली समझाया कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस बात है फुगेसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर इसमें एलन की वैल्यू कुछ घट गई तो ऑब्वियस बात है यहाँ से आपको कुछ चीज़ सब्ट्रैक करना पड़ेगा, तो पहले जितनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये मैथमेटिकली आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बोला, प्योर लिक्विड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज करो इसी चीज को अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, ठीक है, कि मान लो इसी कंटेनर में अगर मान लो H2O लिक्विड और H2O गैस है, मेरा H2O लिक्विड और H2O किसी कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तो इसको अगर KP जो होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। अभी मैंने बोला क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है, इज नथिंग बट वेपर प्रेशर, ये क्या है, वेपर प्रेशर। क्यों, अब आप ऑब्जर्व करो क्या ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पे जो भी गैस मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वही वेपर प्रेशर है, मतलब दैट इज केपी पे जो भी प्रेशर डिफाइन हुआ दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है, सिर्फ डिपेंड ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, याद है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, केपी को नहीं, मतलब लिक्विड कैसा है, केपी को ये भी मतलब नहीं कि भाई नेचर लिक्विड का नेचर क्या है, केपी को ये भी मतलब भाई सरफेस कितना है, केपी को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला केपी को ब्रह्मा जी का वरदान है भैया टेम्परेचर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस बात है जब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो वेपर प्रेशर भी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जैसे हम और दूसरी बातें समझो, सपोज करो यहाँ पे मेरा इसमें मैंने 100 लीटर लिया और इस कंटेनर में मैंने 10 ml लिया, दोनों का टेम्परेचर मैंने टी रखा, तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा क्या, ऑब्वियस बात है बिल्कुल वेपर प्रेशर क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगेन मैंने क्या लिया, 100 लीटर लिया, ठीक है,
ठीक है, टेम्परेचर टी मेंटेन किया, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप रखा। क्या रखा मैंने? एक ड्रॉप लिक्विड का, ओनली वन ड्रॉप बचा मेरे पास यहाँ पे, वन ड्रॉप लिक्विड है मेरे पास यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वन ड्रॉप लिक्विड बचा हुआ मेरे पास यहाँ पे तो, और दोनों का मैंने टेम्परेचर टी पे मेंटेन किया, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। नहीं, एक ड्रॉप से तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मैंने यहाँ पे वेपर अंदर से डाल दिया, मैंने वेपर इस तरीके से डाला ताकि मेरा, मैंने उतना ही वेपर यहाँ पे डाला ताकि मेरा दोनों के बीच में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, उतना ही वेपर, मैं उतना ही वेपर डालूंगा कि एक ड्रॉप लिक्विड और वेपर के जितने भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ वेपर डालूंगा उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अगर एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया और दोनों का टेम्परेचर मैंने क्या रखा, सेम रखा, तो क्या अभी भी वेपर प्रेशर सेम रहेगा? बिल्कुल, वेपर प्रेशर मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि अगेन एक ड्रॉप लो या 100 लीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप सर यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बात को याद रखना, वी कैन नॉट अप्लाई लॉज ऑफ आइडियल गैस ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर गैस बन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गैस लॉ हम अप्लाई कर दें। देखो, बात समझना, आइडियल गैस लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, लॉज ऑफ आइडियल गैस, मतलब लॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, लेकिन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वो सब एप्लीकेबल यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही कब होता है, ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, और इक्विलिब्रियम पे कोई भी गैस लॉ वैलिड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें थोड़े बहुत आप क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो मैं जो जो आपको पॉइंट लिखाया था वो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। फ्यूगैसिट इज नथिंग बट केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल एक क्षमता बताता है मॉलिक्यूल को चेंज करने की, और अगर प्योर लिक्विड है तो उसका केमिकल पोटेंशियल, मतलब उसका केमिकल पोटेंशियल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। केमिकल पोटेंशियल मतलब अपने आप को लिक्विड से वेपर में, मतलब दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ही बता रहा वो। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको, हो सकेगा डाउट सेशन में आपको मैं ये पॉइंट फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ आप मुझे लेट मी इन्फॉर्म, बट आई होप मैंने इतना तरीके से आपको समझा दिया होगा कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट वन क्या है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, if partial pressure, please एक बार मेरे से रिक्वेस्ट, अगर वो फुगैसिटी वाला टर्म नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, ताकि मैं अपन जो गूगल मीट में मैं आपको फिर से ऑनलाइन उसको समझा दूंगा। वो टर्म इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, आज तक हालांकि क्वेश्चन कभी नहीं आए, वो मैं आपको बस एक मैथमेटिकली फील कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये मैं चीज़ आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल भी बताता तो भी आपको समझ में आता, ओवरऑल हमारा न्यूमेरिकल बनना चाहिए, और इस पर न्यूमेरिकल कभी आते नहीं है, ना कभी आया जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल का है थोड़ा, इसलिए मैंने आपको टर्म रिलेट किया बस, दैट्स इट, उसका मीनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू then some vapor will condensed
देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बट पहले मैं लिख दे रहा हूँ, मैं हर एक वेपर प्रेशर के हर एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में आए। हर चीज़ मतलब आपको क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। वेपर वी कंडेंस इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस देन लिक्विड विल वेपराइज then liquid will vaporize until a maximum value of partial pressure maximum value of partial pressure is obtained ya b all the liquid will vaporize theek hai to ठीक है, तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका ये नोट करके आप ऐसे लिखना, नोट करके वेपर प्रेशर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे पहला पॉइंट क्या है, देखो वेपर प्रेशर मैंने आपको क्या बोला, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब ऐसा मैं मानता हूँ कि जैसे सपोज कर किसी इस लिक्विड का मान लो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है 50 mm, कितना है 50 mm, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कुछ समय के बाद मान लो 60 हो जाता है, क्या हो जाता है 60 हो जाता है। ऑब्वियस बात है, मैंने क्या बोला, अगर ये 60 हो गया और 50 इसका मैक्सिमम वैल्यू, 50 कब डिफाइन हो रहा है, वेपर प्रेशर 50 है, मतलब वेपर प्रेशर डिफाइन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, मतलब एट इक्विलिब्रियम इसका मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है 50। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही ऑपरेशन हो गया, मान लो 60 mm हो गया, तो क्या होगा, मैंने 60 हो गया, 50 इक्विलिब्रियम पर डिफाइन था, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो अब मैंने आपको पहले बताया हर सिस्टम अपने आप को कहाँ लाना चाहता है, इक्विलिब्रियम पे लाना चाहता है, तो फिर से क्या होगा, कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, अपने आप को ये कहाँ चला जाए, कहाँ ले आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन के थ्रू, आई बात समझ में, कंडेंस होने लग जाएगा, देन सम वेपर विल कंडेंस एंड पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, तो लिक्विड विल वेपराइज अंटिल, मान लो इसका 50 था, लेकिन 50 है लेकिन अभी तक ये सिर्फ 40 तक पहुंचा, कितना तक पहुंचा 40 तक, तो क्या होगा, दो बातें हो सकती है, ये तब तक वेपराइज करते जाएगा तब जब तक आपको 50 ना पहुंचे मैक्सिमम, ये तब कब तक वेपराइज करेगा, जब तक मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंचे, या ऐसा हो सकता है कि ये हो सकता है कि सारा का सारा वेपराइज कर दे, सारा का सारा वेपराइज करने का मतलब, जैसे सपोज करो इस पानी का वेट है 4 ग्राम, मतलब 50 mm तक जाने के लिए आपको अमाउंट चाहिए पानी का 4 ग्राम, लेकिन आपके पास 3.5 ही है, तो ये वेपराइज करते जाएगा जब तक करेगा जब तक आपका वेपर प्रेशर ना आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, तो हो सकता है सारा का सारा लिक्विड ही क्या कर जाए वेपराइज, आपको चाहिए 4 लेकिन है 3.5, ऑटोमेटिकली सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट, बट पार्शियल प्रेशर, हाँ ऐसा बोल सकते हो कि भाई वेपर प्रेशर आपको नहीं मिलेगा लेकिन सारा लिक्विड वेपराइज कर जाएगा। ठीक है दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहले भी लिखाया था, ओनली और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट हो जाता है कि इट इज़ डिनोटेड बाय पी नॉट ए और पी नॉट बी, याद रखना वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर लिक्विड ए है तो पी नॉट ए, मान लो H2O है तो पी नॉट H2O, मान लो इथेनॉल है तो पी नॉट इथेनॉल, वट एवर, तो जो भी होगा प्योर लिक्विड है तो पी नॉट है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर फॉर एनी प्योर इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए एंड पी नॉट बी एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू will be given in the problem and its numerical value will be given in the problem। ठीक है, चौथा पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ
एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन does not depend upon amount of liquid. अभी आपको बताना amount of liquid पे भी depend नहीं करता, जो 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 चीज़ समझाई बस उसी को मैं लिख रहा हूँ. amount of liquid, volume of vessel, एक मिनट, amount of liquid, volume of vessel and size, comma, shape of container. ठीक है, मतलब कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ पे डिपेंड नहीं करता, वैसे वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल वेपर प्रेशर. इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जो भी हम देख ही लेते हैं इसको. ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. आखिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर तो है ही, बाकी कुछ और भी चीज़ें होती है जिन पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्या होता देख लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. ठीक है, तो पहला फैक्टर डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगेन वो मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ लिक्विड पे. ठीक है, तो जैसे मान लो एक कंटेनर में मैंने H2O रखा है. किसमें रख क्या रखा है? H2O रखा है. और एक कंटेनर में मैंने मान लो C2H5OH रखा है. क्या रखा है? C2H5OH रखा है. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझना, H2O और H2O के बीच में क्या है? बॉन्डिंग है. तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, है ना. और अगर भाई इसकी बात करूँ मैं, C2H5OH और C2H5OH, तो ये बॉन्ड थोड़ा क्या होता है? वीक बॉन्ड होगा. तो अब ऐसा समझो, अगर मेरा ये मॉलिक्यूल है और इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो ऑब्वियस से बात है बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी तो ये उड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं रखेगा. तो ऑब्वियस से बात है, उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि P0H2O कम होगा P0C2H5OH, क्योंकि बॉन्डिंग जितनी वीक रहेगी उतना जल्दी ये क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा होगी. सेम टेम्परेचर की बात करो, सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ. अब ऐसा नहीं कि इसका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा रखें, उसका टेम्परेचर कम रखें, तो ऑब्वियस बात है इसका वेपर प्रेशर सेम होगा. लेकिन ये तब डिफाइन कर रहा हूँ जब दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम. आप ऐसा देखो ना, आप पेट्रोल में देखो, पेट्रोल की उड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, वाटर से भी ज़्यादा रहती है. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ढक्कन बंद करके, मतलब बोतल में अगर आप पेट्रोल ला रहे हो तो आप ढक्कन बंद करके लो. क्यों? तो अगर आपने ढक्कन खुला रखा तो एक तो गिर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन उड़ने की भी टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा रखता है. ठीक है, और दूसरा केस ऐसा भी इसमें ऐसा मतलब ऐसा आप ऐसा लिख सकते हो इस केस में कि वेपर प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल. बराबर, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड्स हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. तो सिर्फ इसी फैक्टर पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है. ठीक है, हालांकि इसके बाद जो हम जाएंगे, ठीक है, आज का मैं थोड़ा यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा आप इसको दोबारा देखिएगा लगे तो एक बार, लेकिन इसको एक बार अच्छे से समझिएगा. ठीक है,
अब वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग कोई, ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या बोला, पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर पे घूमता है आपका सॉल्यूशन। तो एक बार आपको वेपर प्रेशर समझ में आएगा तो आपके लिए सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम सब्सटेंस को बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत तरीके से डिवाइड भी करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें याद करो मैंने बोला सब्सटेंस दो तरीके होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो वीक और स्ट्रॉन्ग हम किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग। हम जब जिसका अल्फा वन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका अल्फा लेस देन वन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर। उसी तरीके से सॉल्यूशन में भी हम सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक सब्सटेंस होता है मेरा वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। दस जिस सब्सटेंस मतलब ठीक है सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, जिस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ठीक है वो क्या होगा मेरा वो वोलाटाइल। किसी भी सब्सटेंस का अगर वेपर प्रेशर डिफाइन हो रहा है इसका मतलब वो आपके लिए वोलाटाइल सब्सटेंस है। और जिस सब्सटेंस के लिए जो सब्सटेंस वेपराइज करने की टेंडेंसी नहीं रखता है वो मेरे लिए क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब ऐसा समझो बात को, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मतलब ऐसा भी आप नॉन वोलाटाइल को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने ही फेज में रहना चाहता है मतलब अदर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखना चाहता है, तो उसको भी हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा समझो, अगर आपने एक लिक्विड में विक्स मिलाया और एक लिक्विड में चीनी मिलाया तो विक्स क्या करता है, मैं नॉर्मली विक्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप नॉर्मल विक्स को लोगे तो वो शायद वेपराइज करने की टेंडेंसी नहीं रखता, लेकिन भाई आप गर्म पानी में विक्स को मिलाते हो तो देखो वो कैसे वेपराइज करने के मतलब अगर वही सॉल्यूट अगर वो सॉल्यूट डिजॉल्व होने के बाद वोलाटाइल हो जाता तो दैट्स फाइन, क्योंकि आप देखो ना विक्स को आप जब गर्म पानी मिलाते हो तो वेपराइज होता है वही, तभी तो आप भाप लेते हो। लेकिन अगर आप उस अगर नमक या चीनी को आप पानी में डालते हो तो अगर आप उसको भाप लेते हो तो क्या चीनी वाला भाप आपको मिलेगा, नहीं बेटा आपको सिर्फ पानी ही मिलेगा, क्योंकि चीनी कभी भी उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता, क्यों, क्योंकि वो अपने सॉल्यूशन फेज में ही रहना चाहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में चीनी क्या आइस के अंदर घुस जाता है, नहीं वो आइस के अपर सरफेस के ऊपर रहता है, इसलिए आपको वो मीठा मीठा लगता है। आई बात समझ में, तो जब अगर आप मैं ऐसा सपोज कर आपने क्या किया आइस को पिघला दिया, उस जो आपने आइस लिया उसको पिघला उसको गर्म भी कर दो और उसका भाप लो, आप जब भाप आप भाप लोगे तो उस वो आपको चीनी चीनी जैसा चिपचिपा नहीं लगेगा, आपको जो भाप मिलेगा सिर्फ दूध या जो भी उसका लिक्विड होगा उसका भाप मिलेगा, चीनी कभी भी वेपराइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपने ही फेज में रहना चाहता है, वो कभी भी वेपर स्टेट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि हमने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर, जिस सब्सटेंस का अपना वेपर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस, और जिस सब्सटेंस का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है मतलब दे हैव नो टेंडेंसी टू वेपराइज उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेरे लिए नमक हो गया, चीनी हो गया, बहुत सारी यूरिया हो गया, ये सब सब्सटेंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपराइज करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो और जितने भी लिक्विड होते हैं जितने भी लिक्विड सॉल्यूट मतलब जितने भी लिक्विड हैं वो सारे के सारे वेपराइज करेंगे, मतलब उनका कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा। अब सारे सॉल्यूट्स को आप नॉन वोलेटाइल नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि सिर्फ आप अगर आप आइस की बात करो, अगर आइस को आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हो देखो थोड़ा थोड़ा उसका वेपर निकलता है, एक्सेप्ट आइस, बाकी हर सॉलिड एज अ सॉल्यूट मतलब हर सॉलिड नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बाकी चीज़ें आई होप सो मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाकी चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आज के लेक्चर को अगर एक से ज़्यादा बार आप भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।